तो आज मुझे लग रहा है लिफ्ट खराब है, नहीं उठ रहा है। बहुत बार हो चुका है, निकलना पड़ेगा। अगर हम फंस गए तो क्या होगा? तो हम लोग शॉर्ट ट्रैक स्टेडियम मेट्रो स्टेशन में, जहाँ पे लिफ्ट काम नहीं कर रहा था, तो वहाँ से बाहर आके हम लोग एस्केलेटर पे है। दीपिका ने स्टेयर्स नहीं लिया क्योंकि आज मैंने हील पहना है, तो इसीलिए। हाँ हाँ, तो आज हम लोग जा रहे हैं CC1 सिटीजन टर 1 के लोकल पे। तो हमारे एक सब्सक्राइबर क्रम फ्रेंड, मतलब दो, हमसे मिलने आ रहे हैं। पहले भी हम लोग दुर्गा पूजा में मिले हैं, फिर हम अभी और एक बार मिलेंगे। वो आई है कोलकाता, वो गुजरात में रहती है, तो इसी से मिलने आ रहे हैं। मैं शुभ बार भी यहाँ पे है, और पिया ऑलरेडी आई थिंक पहुँच गए हैं, तो पिया से हम डायरेक्ट वहीं पर मुलाकात करेंगे। सब बोलना जरूरी है क्या? हम सिटी सेंटर आ गए हैं, मतलब मेट्रो स्टेशन पे। हम थोड़ा सा ही निकल के चलना पड़ेगा। बहुत अच्छा हुआ मेट्रो हो गया, नहीं तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और थैंक्स टू दिस मेट्रो। और मैं सोच रही हूँ मेट्रो कब इस प्लैनेट तक चालू होगा, तब तक हमारे आसान हो जाएगा। एक गर्मी अच्छा ही किया, तो चलो देखते हैं। हम लोग आ गए हैं, तो देखो पिया ऑलरेडी आ गई है। कितना खूबसूरत लग रही है, उसका फेस अलग ही ग्लो है आज, अलग ही ग्लो है। नहीं, बहुत ज़्यादा ग्लो लग रहा है। और सूजी ऑलरेडी आ चुकी है, वो आई थिंक सबसे पहले आई है, और हमेशा लेट आती है, आज पहली बार आए, फर्स्ट टाइम आई है। और पिया हमसे फर्स्ट आई है, आई डोंट नो कब हुआ था कि पिया हमसे पहले सब हमसे पहली बार आई है। हाँ वो सही क्या क्या बोल रही थी? सबसे लेट, ज्यादा टाइम लेके लिपस्टिक कौन लगाएगा? तुम कैमरा तो ओषुद नहीं है काजल की तो तो पिया को ये बार्बी ने अपने हाथों से ड्रॉ करके दिया है और बोला कि पिया, ए पिया है कृष्णा और राधा मैं हूँ। और मीरा कौन है? देखिए दीपिका जी को देख लिया, कैसे दिखा? वाह, ये घर नहीं है बाबू। देखो ये मैंने हॉट एंड सेक्सी बोला, 30 मिनट से लिपस्टिक लगाया, ऐसा कुछ नहीं। शुभो ने इन्फॉर्मेशन दिया, शुभो खुद लगाती है 30 मिनट से और 1 आवर से रेडी होता है। वो कहाँ लगाता है लिपस्टिक? होंठ पे। तुम्हें पता नहीं? मुझे लगा कि चोर लेके घूमती है और लगाती है उसका। हाँ, पिंक होंठ, पिंक होंठ का राज यही है। नहीं, वो तो फिल्टर का कमाल है। नॉर्मली मैं बोल रही हूँ, लोग जिनके साथ मीट करने आए वो लोग अभी नहीं आए, तो हम लोग सोचे थोड़ा सा विंडो शॉपिंग करते हैं। ओके, थोड़ा सा विंडो शॉपिंग करके तो बहुत लेट है वो लोग, तो हम लोग थोड़ा सा मिनी शो पे आ गए थे। देखो मिनी शो, यहाँ से यहाँ पे आने का मतलब हम कुछ ना कुछ खरीदते हैं बेकार में। हमें और पिया सोच रहे थे क्या था फेस मास्क। पिया ने मुझे सजेस्ट किया कि ये लो, और हैंग आउट मैंने लिया क्योंकि एक्ने फ्री है। और मेरे जब आते हैं तो हम कुछ नहीं देते हैं, विंडो शॉपिंग नहीं होती। चलो हम लोग अभी आई डोंट नो कितनी देर तक वेट करेंगे। तो यार एक वीडियो लोकेशन दिखाया, मैंने पिया को बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट किया था के लोकल। देखो इंटीरियर बहुत अच्छा है क्या? वो कोलकाता को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो येलो टैक्सी। हाँ, आमी फोन कोड़े छिला।
तो के लोकल में बहुत ज़्यादा साउंड था, इसलिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है खाना का रिव्यू। जो सैली और भेकना आ गई है, हमारी जो सब्सक्राइबर थी, तो बेसिकली सैली वेज आइटम ही खाती है क्योंकि वो वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन। तो हमने वेज स्प्रिंग रोल, ड्राई चिली चिकन और एक था तेराई की चिकन, कुछ और ही नाम था मुझे याद नहीं है। तो डिशेस बहुत ही अच्छा था, बट थोड़ा तीखा था, बट टेस्ट ओवरऑल बहुत अच्छा था। तो हम लोग स्टार्टर खा के सब डांस कर रहे थे जैसे आप देख रहे हो। तो मेन कोर्स हमने ऑर्डर दे दिया, दो टाइप के राइस था और एक चिली चिकन ग्रेवी था और गार्लिक चिकन ग्रेवी, क्योंकि यहाँ पे पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड कुछ भी नहीं मिल रहा था क्योंकि उन लोगों का ओवन ख़राब हो गया था। और हमने बेबी कॉर्न भी ऑर्डर किया था। गुजरात स्पेशल मिठाई, हाँ मैंने पिया था, पिया तुमने बोला, मैंने बोला था ना रसगुल्ले पे ड्राई मिठाई होना चाहिए। देखो जीजू हमारे लिए गुजरात से लाई है, इधर भी सरटप है, सरटप पूरा पैक करके लाई है। ओवरऑल फूड बहुत ही अच्छा था, बट बहुत लाउड म्यूजिक था तो बात करने के लिए एकदम सही प्लेस नहीं है, और हैंग आउट डांस करने के लिए एकदम परफेक्ट प्लेस है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना प्लीज़।